त्योहारों में सूजी के बेसन के लड्डू तो घर में बनते ही हैं, और जो सूजी के लड्डू बनाने की विधि है, आज हम उससे थोड़ा अलग विधि से सूजी के लड्डू बनाएंगे, जिससे सूजी के लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। इसमें हम मावा का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद भी इसमें मावा का टेस्ट आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी और सूजी। सूजी यहाँ पर हमने 1 कटोरी ली है, 1 कटोरी सूजी डालेंगे और इसे हम भूनेंगे। बस हमें 1 मिनट भूनना है, ना तो हमें इसका कलर चेंज करना है, बस थोड़ा सा इसे भून जाए, गर्म हो जाए, ये मिक्स हो जाए घी अच्छे से, बस इतना ही भूनना है हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डो बनाएंगे दूध डालकर। तो जो दूध है हम उसे भी पहले से उबाल लेंगे। अगर हम 500 मिलीलीटर दूध लेते हैं तो हम उसे उबाल कर 250 ml कर लेंगे, 250 मिलीलीटर कर लेंगे, और फिर उसी दूध का यूज़ करेंगे। मतलब कि दूध को हमें बहुत अच्छे से गाढ़ा कर लेना है और उसके बाद दूध का यूज़ करना है, जिससे जो हमारी सूजी के लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, बस हमने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हल्का सा भूनना है इसे, और इसी तरह गर्म सूजी में ही हम डालेंगे दूध और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट आटा गूंदना है। अभी सूजी गर्म है इसीलिए हम इसको कलछी से मिक्स कर रहे हैं, हम इसे इसीलिए भून लेते हैं और इस तरह मिक्स करते ताकि जो हमारी सूजी है वो थोड़ा सा पक जाए। और हमने दूध भी जो लिया है वो गर्म है, क्योंकि हमने इसे उबाल कर 2 गिलास दूध को 1 गिलास बना लिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसी तरह हम मिक्स करते रहेंगे तभी ये ठंडा हो जाएगा। दूध अगर हम ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो सूजी फूलेगी ना तो दूध अपने आप ही सोख लेगी और ये डो टाइट हो जाएगा। ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये डो बनाया है आटा, इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, जो हमारे लड्डू बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि हमने जो दूध डाला है वो भी अच्छा गाढ़ा करके डाला है और मिल्क पाउडर मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमको और ज़रूरत लगेगी तो और हम दूध डाल लेंगे और अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। थोड़ा गीला ही आटा गूंदेंगे ताकि ये सोख लेगी सूजी। जब हम इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे तब हमारा आटा अच्छे से फूल जाएगा और उससे जो हम आगे लड्डू बनाने वाले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, एकदम मुलायम हो गया है हमारा जो डो है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी हम बनाएंगे 4 मोटी मोटी पूड़ियाँ। मोटी पूड़ी ही बनानी है, आप हाथ से भी बना सकते हैं या फिर बेलन की सहायता से बेल सकते हैं। ये मैं आपको हाथ से बनाकर दिखा रही हूँ, इतनी आसानी से बन जाती है। और अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चकला बेलन ले लें और चकला बेलन से इस तरह बेल लें। ध्यान रखना है कि पूरी हमें एकदम पतली नहीं बनानी है, मोटी बनानी है। और इसमें हम इस तरह से छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना, और अगर फूलेगी भी तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसे गरम तेल करके सेक लेंगे, जैसे हम पूरियाँ तलते हैं, लेकिन हम इसका फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर हमने जो तेल लिया है उसकी जगह शुद्ध देसी घी भी ले सकते हैं, उससे हमारी जो लड्डू है उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। और अगर घी नहीं है तो फिर आप रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरियां बनाकर रेडी कर लेंगे। बस अंदर तक हमारी जो पूरी है वो सिकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहे। और फिर हम इसे तोड़ लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इस तरह तोड़ तोड़ कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखना है, पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे,
और ये देखिए हमने जितनी भी पूरियाँ थी, चार पूरियाँ, उसका आटा बना लिया है, इस तरह से पाउडर बना लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, इलायची, कुटी हुई इलायची, 5 से 6 कुटी हुई इलायची हैं ये, और सूखा नारियल, आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, और ये है पिसी हुई चीनी। चीनी लेके आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं चीनी। यहाँ पर जितनी हमारी सूजी थी, 1 कटोरी, तो हमने यहाँ पर 1/4 कप, मतलब कि 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी ली है। आप और कम लेना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको जितना मीठा पसंद है आप चीनी का उतना यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप सूखा नारियल और ज़्यादा भी डाल सकते थे, ड्राई फ्रूट्स अगर और ज़्यादा डालना चाहते तो वो भी डाल सकते थे। और आप देखेंगे कि इनके इतने सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। ये हमारा जो डो है ना, ये इसमें घी ऑलरेडी पहले से हमने इससे घी से सेका था, इसलिए है। अगर कम लगे आपको तो ऊपर से भी शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं, नहीं तो हमारे लड्डू ऐसे ही बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए, हाथ से आप गोल गोल ऐसे लड्डू बना ले, और ये हमारे सूजी के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इनका टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे घर पर बनाएंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मिताक्ष मॉम एंड रेसिपी। इसी तरह की और भी मिठाई की रेसिपीज़ हैं जो हम घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से अपने सूजी के लड्डू आप छोटे या बड़े अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इन लड्डुओं को आप स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, या तो एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखते हैं या तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी मिठाई की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें मिताक्ष मॉम एंड रेसिपी।